वॉट इज अ वायरस? आप तो कई बार सुना होगा वायरस, कंप्यूटर में वायरस आ गया, स्मार्टफोन में वायरस आ गया और इसलिए कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा है। ये वायरस का मतलब क्या है? ये तो जो इन्फेक्शन हमें आता है ना, ह्यूमन के लिए आता है, एनिमल्स के लिए आता है, वो वाला वायरस नहीं है। ये वायरस है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या है वायरस? वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शंस। अभी कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन चाहिए, है ना? जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसे कंप्यूटर्स फॉलो करते हैं, है ना? जो जब हम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सोचो कि कंटिन्यूसली एक 4 or 5 इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनता है। सो वायरस भी वैसे ही एक प्रोग्राम ही है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो विच वेन इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर रेप्लिकेट्स। जब ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट का मतलब मल्टीप्लाई, रेप्लिकेट का मतलब मल्टीप्लाई। क्या हो जाता है? बहुत सारा फाइल्स बन जाता है। आप एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे और क्या हो जाता है, वो बहुत सारा प्रोग्राम्स बन जाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग, मल्टीप्लाइंग। ओके, मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ एंड चेंजेस द प्रोग्राम प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर। ओके, वायरस का मतलब क्या है? पहले तो वो कंप्यूटर्स लेता, कंप्यूटर के अंदर जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है? बहुत सारा फाइल्स बन जाता है। वही सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, वो बहुत सारा बन जाता है और क्या करता है, जो फाइल्स उस कंप्यूटर के अंदर है ना, वो सब डिलीट हो जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल वायरस इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर। जो फाइल्स अंदर है उनको खराब कर देता है वायरस। ओके, ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच actually destroys the contents of the computer. Is that clear? All right. Okay. आज हम देखने वाले हैं types of viruses. पहला type है boot sector virus. What is the first type? Boot sector virus. और दूसरा type है direct action virus. क्या नाम है उसका? Direct action virus. और तीसरा है resident virus. तीसरा है रेसिडेंट वायरस। और द फोर्थ वन इज मल्टी पार्टेड, इसे क्या कहते हैं? मल्टी पार्टेड वायरस। ऑलराइट, और लास्ट वन इज ओवर राइट वायरस। अभी इसे एक्सप्लेन मोड में देखते हैं हम। पहला टाइप था बूट सेक्टर वायरस। ये बूट का मतलब क्या है? बूट का मतलब है रीस्टार्ट मोड। बूट का मतलब है रीस्टार्ट मोड। अभी आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है? ROM, रीड ओनली मेमोरी पे रहता है, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है? रीड ओनली मेमोरी पे रहता है, उसे कहते हैं हम बूट सेक्टर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे, जो स्पेस में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्पेस को कहते हैं बूट सेक्टर। सो ये टाइप ऑफ वायरसेस क्या करते हैं? दे आर द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। अभी वो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? हम लोगों ने पहले ही सेशंस में देखा था, वो ट्रांसलेटर है। जो कुछ हम बोल रहे हैं उसे कंप्यूटर के लैंग्वेज को ट्रांसफर करके, ट्रांसलेट करके कंप्यूटर वर्क करता है। सो इमेजिन अभी बूट सेक्टर वो जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट करेगा। So it is very dangerous. Computer काम ही नहीं करेगा उसके बाद. Okay? So they infect the master boot record. ये master boot record में क्या सब होता है? Operating system होता है और devices है ना, input output devices, जो keyboard है, mouse है, printer है, जो कुछ connected है system के साथ. Okay? वो सबको affect करता है. They are notoriously difficult to remove. Often requiring a full system format. बहुत बहुत difficult है उन्हें remove करने के लिए। Virus computer में आ गया तो उसे remove करना बहुत जरूरी है, नहीं तो computer काम नहीं करेगा। Okay? So क्या ये कैसे निकाल सकते हैं इसे हम?
सिस्टम फॉर्मेट, सिस्टम फॉर्मेट का मतलब कंप्लीटली सिस्टम में जो कुछ है उसे डिलीट करके यू विल हैव टू एड ऑन और इंस्टॉल अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम. सब कुछ न्यू डालना पड़ता है कंप्लीट फॉर्मेट के बाद. ओके, सो ये है बूट सेक्टर वायरस. अब देखेंगे डायरेक्ट एक्शन वायरस. ये डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्टली इट स्टार्ट्स वर्किंग. अभी ये तो रेप्लिकेट नहीं होगा. वी हैव ऑलरेडी सीन वायरस क्या करेगा, अंदर जाते ही इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग, डूइंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ व्हाट इट इज, है ना. सो दिस विल नॉट डू दैट. ये तो एक ही फाइल होगा और डायरेक्टली एक फाइल के अंदर जाके बैठ जाएगा. ऑलराइट, सो द वायरस इज कंसिडर्ड नॉन रेसिडेंट. अंदर नहीं रहेगा, इट विल नॉट इंस्टॉल इट सेल्फ. अंदर अपने आप जाके बैठेगा नहीं और इट विल नॉट रेप्लीकेट ऑल्सो. ओके, इट डज नॉट इंस्टॉल इट सेल्फ और रिमेन हिडन इन योर कंप्यूटर्स मेमोरी. ये तो इट विल नॉट बी इन साइड द कंप्यूटर्स मेमोरी और इंस्टॉल इट सेल्फ. वो तो पहला है. देन दिस डज नॉट टिपिकली डिलीट फाइल्स एट ऑल. ये फाइल्स को डिलीट भी नहीं करेगा, नहीं तो प्रोसेसिंग पे हिंडर करेगा. तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा फिर? ये तो रहेगा और मेमोरी स्पेस ले लेगा. ये क्या करेगा, इट विल ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस. कुछ नहीं करेगा फाइल्स को या ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिर्फ अंदर रहेगा और स्पेस ले लेगा. ओके, सो क्या होगा, अभी आपको सेव करना है तो हमारे बचा हुआ स्पेस तो यही है, यहां पे ही सेव कर सकते हैं. सो ये दोनों स्पेस तो वायरस ले लेगा. ओके, सो इट डज नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द फाइल्स, इट डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस, मगर क्या करेगा, स्पेस ले लेगा. ऑलराइट, सो ये है डायरेक्ट एक्शन वायरस. थर्ड वन इज रेसिडेंट वायरस. रेसिडेंट का मतलब क्या है? यू स्टे. बोलते हैं ना रेसिडेंस, आपका रेसिडेंस किधर है, यू टॉक अबाउट योर हाउस, कहां पे आप रहते हो, द स्टे स्टे प्लेस. ओके, सो रेसिडेंट वायरस, रेसिडेंट वायरसेस आर द अदर प्राइमरी टाइप ऑफ फाइल इन्फेक्टर्स. मतलब ये भी फाइल को इन्फेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम. ओके, दे इंस्टॉल देमसेल्व्स. अभी उनके कोई जरूरत ही नहीं है, यू गॉट टू गो एंड इंस्टॉल. अगर अंदर आ जाते हैं कंप्यूटर पे, दे इंस्टॉल देमसेल्व्स ऑन द कंप्यूटर. ऑलराइट, और दे वर्क इवन when the original source of the infection has been deleted. उसका मतलब है, अभी सोचो कि आपने वो वायरस पहचान लिया और what you do, you are trying to eradicate them. Eradicate का मतलब क्या है? Delete them, remove them. Eradicate का मतलब है deleting और removing. आप तो वो find out किया है और उसे eradicate भी कर लिए, मगर वो रेसिडेंट वायरस जो है, इवन आफ्टर इट इज डिलीटेड, वो अपना पार्ट्स फाइल्स में रख लेता है. ओके, द इन्फेक्टेड फाइल्स विल हैव पार्ट ऑफ द वायरस. तो क्या हो जाता है, मेन फाइल डिलीट करने से भी कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि फाइल्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं. सो हमें फाइल्स को डिलीट करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? सो ये भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि इतना सारा फाइल्स में जाके बैठ जाएगा तो यू डिलीट द सोर्स फाइल, देन देयर इज नो यूज एट ऑल. ओके, ये है रेसिडेंट वायरस. मल्टी पार्टेड वायरस. इसका मतलब, मल्टी का मतलब क्या है? मल्टी का मतलब है मैनी. मल्टी का मतलब है मैनी, डिफरेंट, मैनी. ओके, पार्टेड, पार्टेड का मतलब है पार्टीशंस. पार्टेड का मतलब है पार्टीशंस. अभी कंप्यूटर में पार्टीशंस किधर होंगे? आप तो कंप्यूटर्स देख चुके हैं. कंप्यूटर्स के अंदर जब वो माय कंप्यूटर का आइकॉन क्लिक करेंगे, आपको ये दिखेगा, सी डी और ई, हा ना, ऐसे दिखेगा आपको. इसका मतलब है ये सब यूज हुआ है और इतना सारा बचा हुआ है ना. सो दीज आर कॉल्ड एज पार्टीशंस, मेमोरी स्पेसेस. जो मेमोरी स्पेसेस हैं उसे जब डिवाइड करते हैं ऐसा ड्राइव्स,
इस ड्राइव्स के क्लासिफिकेशन से उसे कहते हैं पार्टीशंस. सो अब ये मल्टी पार्टीशंस का मतलब क्या है? ऑल द डिफरेंट पार्टीशंस प्रेजेंट इन द कंप्यूटर. ओके, सो ये वायरस, ये नाम से क्या पता चलता है, ये वायरस किसको अटैक करेगा? ये ड्राइव्स को अटैक करेगा. ओके, देखते हैं. दे कैन साइमल्टेनियसली इन्फेक्ट बोथ द बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. सो ऑलवेज ऑपरेटिंग सिस्टम किस ड्राइव पे रहता है? सी ड्राइव पे ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ऑलवेज. ओके, सो क्या करेगा ये मल्टी पार्टेड वायरस? पहले साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे बूट सेक्टर, ये सी ड्राइव को भी अटैक करेगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, डी ड्राइव को भी अटैक करेगा. एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का मतलब है एप्लीकेशंस, जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशंस पे, एप्स. जो एप्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो सब डी में रहते हैं. सो ये वायरस अंदर आ जाएगा तो क्या करेगा? इट विल डिलीट द कंटेंट्स ऑफ द बूट सेक्टर, दैट इज द सी ड्राइव एंड ऑल्सो द डी ड्राइव. ओके, अलाउिंग देम टू एक्ट क्विकली. सो क्या करेगा? साइमल्टेनियसली दोनों इन्फेक्ट हो जाएंगे. ऑलराइट, इफ द फाइल वायरस रिमेन्स इन द बूट सेक्टर, इट विल इमीडिएटली रिप्रोड्यूस वंस यू टर्न ऑन द कंप्यूटर. अभी सोचो कि साइमल्टेनियस दोनों जगह में वायरस आ गया, तो अभी बूट सेक्टर में है, बूट सेक्टर कौन सा है? सी ड्राइव. अभी बूट सेक्टर में है तो क्या होगा? When you turn on the computer, it will immediately reproduce. Reproduce का मतलब है multiply हो जाएगा. देखे थे ना already, replicates, reproduce, multiplicate हो जाएगा. Okay? So क्या होगा? वो जैसा ही multiple copies produce हो जाएंगे. Once you switch on the system, तब क्या हो जाएगा? Completely operating system काम करना बंद कर जाएगा. और उसके बाद क्या होगा? You will have to format the entire system again. Boot sector में देखा था ना हम लोगों ने, उससे भी ये बहुत dangerous है क्योंकि applications को भी ये affect कर देगा. Alright? So ये है multi-parted virus. अभी देखो ये क्या है, overwrite virus. Overwrite का मतलब क्या है? हम लोगों ने file save किया है, okay? Files है यहाँ पे और इसका नाम है ABC document. अभी सोचो यही नाम पे मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट को भी स्टोर करना है. आई एम ट्राइंग टू सेव अनदर डॉक्यूमेंट विथ सेम ए बी सी. अभी कंप्यूटर आपको पूछेगा आपको ये दोनों फाइल्स रखना है या रिप्लेस करना है. रिप्लेस, व्हेन यू क्लिक ऑन रिप्लेस क्या हो जाता है? यहां पे जो फाइल है उसके ऊपर ये फाइल आके रीनेम हो जाता है. दिस इज कॉल्ड ओवर राइटिंग. So, जो था ऑलरेडी, जो फाइल ऑलरेडी था वो डिलीट हो जाता है और नया फाइल जाके वहां पे बैठ जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज ओवरराइट. सो ये वायरस क्या करेगा? आपको नाम से पता चल जाएगा ना क्या करेगा. यू विल हैव द वायरस ओवरराइटिंग योर फाइल्स. फाइल्स का कंटेंट सब डिलीट हो जाता है और वायरस ओवरराइट हो जाता है. एंड ओवरराइट वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग. बहुत इरिटेट करता है वो वायरस. Even if it is not particularly dangerous for your system. ये तो operating system का कुछ problem नहीं होगा. Okay? ये तो files को delete कर लेगा. All the files will be overwritten. Alright? क्या होगा? Overwrite हो जाएगा files. Okay? It will delete the contents of any file which it infects. वही तो बता रहे थे ना हम लोग. Contents क्या होगा? Delete हो जाएगा. Alright? And the only way to move the virus is to delete the file. अभी वो वायरस को कैसे हटा सकते हैं हम लोग? सिर्फ वो फाइल, द एंटायर फाइल शुड बी डिलीटेड और वायरस को हटा सकते हैं वैसे. इज दैट क्लियर? यही है ओवरराइट वायरस. सो चिल्ड्रन, आज हम क्या सब पढ़े? हम तो आज पढ़े कि वायरस का डेफिनेशन क्या है और कितना टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं. हम लोगों ने 5 टाइप ऑफ वायरसेस पढ़े हैं, बूट सेक्टर, डायरेक्ट एक्शन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपार्टाइट, और we also saw about resident virus or overwrite virus. So please revise your sessions and meet you in the next session. Bye.